मैंने बहुत सी फिल्में की नीतू की, बैक बैक टू, बाय द वे बोलना भूल गया, नीतू इज वेरी फॉन्ड ऑफ योर शो, शी सीज द शो वेरी ऑफन. ये साल डेढ़ साल पहले पता नहीं हाउ लॉन्ग शी इज टू सी द शो, एंड आई सेड छोड़ना यार क्या इंडियन शो क्या. मैं सही बोलता हूँ, मैं यही कहता था टिल आई सॉ द टाइम जब उन्होंने मुझे दिखाया, एंड आई सेड ओह माय गॉड दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी, दिस इज रियली वेरी गुड. ये बहुत बड़ी बात है सर, आप ये बात बोल रहे हैं क्योंकि मैं बोलोगे आपकी आपकी आपका शो खुद कहता है कि और आपको बताता है कि इतना बढ़िया आपका. थैंक यू सर, ये बहुत बड़ी बात है आपके मुंह से ये लफ्ज हमारे सुनने को मिल रहे हैं हमारे शो के लिए. जब नीतू जी के साथ ऋषि सर की पहली फिल्म आई खेल खेल में, लोगों ने आपकी जोड़ी इतनी पसंद की, इतना पसंद किया आपकी केमिस्ट्री को सर, आपने उसको सीरियसली कब ले लिया, मतलब पहली बार किस तरफ से आया था, नीतू जी की तरफ से कि आपकी तरफ से? हुआ यूं कि हम शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, फिल्म थी कभी कभी जी, हमारी क्या है कि हम दो दो शिफ्ट करते थे उन दिनों में, तो दोनों शिफ्ट में या नीतू होती थी या मैं किसी नई लड़की के साथ होता था, तो हम रोजाना हमका ट्रैवल भी साथ एक ही गाड़ी में होता था, एक ही जगह दो दो शिफ्ट करना, तो वी आर टेकिंग अ लाइकिंग टू इच अदर. बट जब मैं ये शूटिंग करके गया कभी कभी, तो मैं फिर वहां से चले गया स्पेन, मैं स्पेन में शूटिंग कर रहा था, तो एक दिन रात को जरा इमोशनल, उन दिनों में मोबाइल वोबाइल फोन होते तो थे ही नहीं, ना कोई ट्रंका लगते थे या यू नो इतना टाइम लगता था, तो मैंने वहां एक दिन एक टेलीग्राम मार दिया कि सिखनी बड़ी याद आती है यार. अरे क्या बात है, क्या बात है. और फिर बाद में नीतू का किस्सा बाद में लोगों ने बताया कि जब टेलीग्राम उसे वहां मिला श्रीनगर में, तो वो टेलीग्राम को लेकर भागती फिर रही, सब कुछ बताती थी कि भाई वो उसको मुझे मैं बहुत याद आ रही हूँ. एक अमर अकबर अंजनी का किस्सा. जी 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 प्लीज सर. मैं शूटिंग कर रहा था बीकानेर में, और उन दोनों में जैसे टेलीफोन्स बहुत देर लगती थी, लाइटनिंग कॉल भी लगाओ तो तीन तीन दिन लगते थे, और वो भी मुंबई से बीकानेर तो दूर, और चलाओ हेलो हेलो मुझे सुनाई नहीं देता था, बोलता नंबर प्लीज, हां जी होल्ड ऑन प्लीज. तो एक शाम शूटिंग के बाद कुछ 7 बजे मैं और मेरे जितने तमाम कोलीग्स थे, हम लोग स्नूकर खेल रहे थे, तो वहां से वेटर आया, और रिसेप्शन पे जाना पड़ता था हर रूम में, तो टेलीफोन भी नहीं था उस वक्त, कि सर आपका लाइटनिंग कॉल आया है मुंबई से. सब घबरा गए, मैं भी घबरा गया, लाइटनिंग कॉल आया, उन दिनों में बहुत कम ऐसे कॉल आते थे, तो मैं रिसेप्शन पे गया तो वहां फोन लिया मैंने. अच्छा सिद्धू जी इसको इमेजिन कीजिए कि हमने देखते ना फिल्म के पर्दे पे कभी कभी स्प्लिट स्क्रीन, एक तरफ एक फोन पे बात कर रहा है, एक तरफ दूसरे फोन पे बात कर रहा है, तो ये जानना जरूरी है. तो मैंने सर वो फोन लिया और मैंने हेलो, तो वहां मेरा एक सेक्रेटरी था, उन्होंने बोला कि मैं मनमोहन देसाई साहब आपसे बात करना चाहते हैं. आई सेड कौन? मनमोहन देसाई. कट. अभी थोड़ा सी हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी कि मनमोहन जी उन दिनों में उन धर्मवीर बना रहे थे, तो धर्मवीर पिक्चर थी ना वो जिसमें धर्म जी वो ये जानना बड़ा जरूरी है तब आपको मजा आएगा. और मनमोहन देसाई साहब कुछ भी पिक्चर बना देते कुछ भी बना देते थे वो धर्मवीर या कभी सबमरीन में ये वो. तो मैं मनमोहन देसाई साहब से बात कर रहा हूँ, मेरे लिए मनमोहन देसाई साहब वो है जिन्होंने सब कपूरों के साथ काम किया है, उन्होंने अपना परिवार अपना करियर शुरू किया था मेरे पिताजी के साथ छलिया में, और लास्ट फिल्म रणधीर कपूर के साथ उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण किया. तो मैं उन दिनों में लैला मजनू की शूटिंग कर रहा था बीकानेर में, तो मुझे फोन आता है हेलो मनमोहन देसाई बात करेंगे. हेलो मनमोहन जी नमस्ते जी. हाँ जी हाँ चिंटू, क्या है कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ अमर अकबर एंथनी, और उसमें मैं चाहता हूँ कि तुम अकबर का रोल करो. कट. इधर मेरे से अकबर का रोल. आई सेड मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं अकबर कैसे यार. आई सेड यार मनमोहन जी अकबर का रोल तो मेरे दादाजी ने किया है मुगल आजम में. अब कट स्क्रीन इस तरफ मनमोहन देसाई बोल रहा है सर पीता क्या रात को ये. मनमोहन देसाई इतना ही. मनमोहन देसाई को बड़ी आदत थी गालियां देने की, तो मुझे कहा अरे भाई अकबर तुम्हारे दादे का नहीं यार, अकबर का रोल करना चाहता हूँ अमर अकबर एंथनी. कट. मेरे साइड में मैं ये सोच रहा हूँ कि एंथनी कौन सा क्लियोपेट्रा का एंथनी बना रहा है, अमर होगा कोई बांसुरी वाला पता नहीं कोई, और अब मैं अकबर बना हुआ कौन सा मुगल आजम वाला. यार मनमोहन देसाई को कुछ भी बना सकता था ना उस वक्त. तो मैं बड़ा कंफ्यूज यार मैं करूं क्या करूं. मैं सोच रहा हूँ अब वो अच्छा ये बीच में सब हेलो हेलो अरे सुनाई नहीं अरे ऑपरेटर अरे अकबर अब पृथ्वीराज कपूर वाला नहीं यार ऋषि हेलो हेलो नहीं आई कैन नॉट मैं दादाजी का रोल नहीं कर सकता. ये चल रहा सब.
फोन वोन बंद हुआ, मैं कंफ्यूज, मनमोहन देसाई ने एक आध झापड़ मेरे सेक्रेटरी को मार दिया तो अब उसका दोस्त था क्या ये तेरा ये बाबा, तो मैंने कहा कि मैं बॉम्बे आऊंगा तो बात करूंगा। जब बॉम्बे आया तो मालूम पड़ा भी ये कहानी ऐसी है ऐसी वैसी है, ये अब क्या है। आप लोग तो पिक्चर का मजा ले लेते हैं पर्दों पे, ये जो उसके पर्दों के पीछे वाली बातें ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं ना आपको। सुपर। मैं जब ऋषि सर से मिला नहीं था तो मेरे मन में इनकी इमेज ये थी कि ऋषि सर जो हैं रोमांटिक हैं, पर्दे पे हैं, वैसे भी बड़े अच्छे हैं, पर इनको अब मूड का कोई पता नहीं है, कभी गुस्सा आ जाए इनको कभी ये। वो तो अभी भी आ सकता है, अभी आप याद मत दिलाओ उनको। पर नहीं, सडनली अभी ना सोशल नेटवर्किंग साइट पे ना चिंटू सर ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, फिर सर आपके जो ट्वीट्स पढ़ते हैं हम लोग वो इतना मजा आता है। मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, आई जस्ट डू इट आउट ऑफ व्हाट आई फील, कोई मजे के लिए नहीं करता हूँ। कभी 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 क्या, हर 3-4 दिन के बाद कोई ना कोई टोली मेरी पीछे पड़ जाती है, गालियां देते हैं, जूते मारते हैं, फिर बदल जाते हैं। मुझे कोई उनसे, आई एम वेरी थिक स्किन दैट वे, मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ, मुझे ये नहीं परवाह उनकी जो करना है ये। और मुझे मेरे दोस्त जो है उन्होंने कह भी दिया है कि उनकी परवाह मत करो, आप करो जो आपको दिल में आता है। अच्छा ऋषि सर, आपके कई फिल्मों में हमने देखा जो आप गानों में आपने बड़े खूबसूरत स्वेटर पहने होते थे, कश्मीर में भी आप शूट करते थे, उसका रीजन ये था कि आप सर्दी में शूट करते थे या किसी खास इंसान ने बना के भेजा था? हाँ यार, वो हुआ ये कि मेरे ख्याल में ये जो है ना आप कह रहे हैं किस्सा, ये शुरू हुआ कभी कभी में ही। अच्छा। यश चोपड़ा साहब हर बार कहते थे यार तुम अपने घर के कपड़े पहनो, क्योंकि क्या वो जो बाहर उन दिनों में मार्केट में मिलता था वो हर आदमी पहनता था, तो मुझे बड़ा शौक था, कि मुझे वैसे भी बड़ा शौक था कपड़ों का, अमित जी को भी बहुत शौक था, तो फिर मैंने एक वो ट्रेडिशन बना दिया कि मैं अपने ही कपड़े पहनूंगा ज्यादातर, Until and unless required for a certain film, कि मैं अपने ही कपड़े पहनूंगा। तो वो फिर वो जर्सी स्वेटर्स जंपर्स बोल दो, साउथ अफ्रीका में मेरा नाम रख दिया था उन्होंने द जर्सी मैन। अच्छा, द जर्सी मैन वाला बोलते थे। मैंने कहा ये अच्छा है। हुआ ये कि जब देखो जिस पिक्चर में देखो, जब या तो ऊटी या स्विट्जरलैंड में पहाड़ियों में लड़की के पीछे या पेड़ के इर्द गिर्द भागा हुआ गाना गा रहा हूँ, कोई स्वेटरों में और कुछ तो कर नहीं रहा था पिक्चर में, सिर्फ गाना गा रहा था और स्वेटर पहन रहा था। तो फिर तो एक वक्त ऐसा आया कि जब नीतू ने कहा कि मेरे 25 साल कंप्लीट किए थे रोमांटिक हीरो बनने के, और 25 साल टुडे सम इयर्स बैक वाज अ वेरी बिग थिंग दोज डेज, 25 साल नॉन स्टॉप काम करना, तो नीतू ने मुझसे कहा तुम बोर्ड लग रहे हो, अब छोड़ दो इंडस्ट्री। मैंने भी आया बहुत थक गया हूँ मैं, आई वॉन्ट टू टेक इट ईजी यार, बहुत हो गया है सब कुछ, बहुत काम किया है, अब नहीं करना चाहता। तो मैंने फिर सोचा कि मैं कर क्या रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, मैं तो मैंने जर्सी की दुकान खोली हुई थी। जब देखो किसी वादी में, किसी पहाड़ी पे, किसी बोट पे, कहीं ना कहीं ऐसे कपड़े पहन के बस गाने ही करता, एक्टिंग तो कर नहीं रहा था। तो वो एक जमाना था यार, फैशन था उन दोनों के। पर सर एक स्टाइल बन गया, पता है आपको, पता है आपके स्वेटर के इतने दीवाने लोग, आज तो खैर गर्मी है पहन के नहीं आए, नहीं तो लोग स्वेटर पहन के आने लगते हैं। अच्छा ऋषि सर का ये मानना कि मैंने 25 साल फिल्मों में सिर्फ रोमांस किया है, एक्टिंग तो मैंने अब जाके करनी शुरू की है, दूसरी तरफ पंकज कपूर साहब है उनका ये कहना है कि हमें तो सिर्फ एक्टिंग करने को मिली, रोमांस अब जाके शुरू किया हमने फाइंडिंग फैनी में। तो सर आप ये इतने खुश नसीब हैं, तो आप रोमांस से खुश नहीं से? मैं ऐसा सोचता हूं कि मैंने 25 साल सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है। मैंने ग्लैमरस कपड़े पहन के, किसी की और की आवाज में गाना गा के, लिपसिंग करके किसी और की आवाज में लड़कियों को वू करके, और कट होने के बाद उनको करके, मैंने शादी भी तो ऐसी की थी, मैंने शादी भी तो ऐसी लड़की साथ की, वो पार्ट ऑफ माई वन ऑफ माई हीरो चोली ना। तो मुझे काम करने का मौका तो अब मिला है मेरी सेकंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में तो बस मैं सिर्फ बोला ना, मैं बस बाउंड्री के बाहर ही खड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था। सर आप फिल्म इंडस्ट्री में इतना बिजी रहे हैं, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आपके दोस्त बने अच्छे कोई? हाँ बिल्कुल। कौन है आपके खास दोस्तों में से?
जितेंद्र साहब, राकेश रोशन जी, प्रेम चोपड़ा साहब, अब सुजीत कुमार जी साहब रहे नहीं, तो हमारे बड़े निकट के हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बहुत प्यारे और बड़े सिंसियर फ्रेंड्स हैं मेरे।